आप आइएगा तो इसमें हम घुमाएंगे आपको। वेलकम टू बिल्लू फिशिंग एंड ब्लॉग एडवेंचर। आज हम लोग पंसवा जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहें। और ये हम अभी केपी का ब्रिज पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी जाएंगे, रेड वेड जो खरीदना है वो खरीदेंगे, फिर चलेंगे पंसवा। तो ब्लॉग में बने रहें और पंसवा का रास्ता भी देखिए, पंसवा कहाँ है, किधर से जाता है। और बहुत अच्छा लोकेशन है, आपको रास्ता में दिखाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जहाँ जहाँ एकदम झकास लगने वाला सीन है। वीडियो में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आँखों में आँखें तेरी, आज भीड़ है, वैसे उतना नहीं है लेकिन भीड़ है आज। और घर में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए भी निकल गए हम लोग। और देखते हैं आज किस्मत क्या साथ देती है, नहीं देती है, किस्मत किस्मत का खेल है। तो अब जल्दी से तेल भर लिया जाए। तेल भर चुका है और ये बहुत अच्छा मौसम है आज, बोले तो बहुत ही मस्त। बस बारिश ना हो जब तक हम लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, उसके बाद बारिश होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले बारिश ना हो बस मज़ा रहेगा। आँखों में आँखें तेरी, तेरा ना मुझ में। आपको रास्ता दिखाते जाएंगे किधर से जाता है, डायरेक्ट यहाँ से सुनवा जाइएगा, फिर वहाँ से राइट कटिएगा और फिर आप डायरेक्ट पंसवा की ओर पहुँच जाइएगा। और बहुत ही अच्छा रास्ता है और बोले तो वहाँ जगह भी बहुत औसम वाला है, बहुत मस्त। हमारा फाटक पहुँच चुके हैं और फाटक भी खुल चुका है, क्या टाइमिंग थी, बहुत मस्त वाला। देखिए इधर कितना भीड़ है, रोड किनारे ही बाज़ार लगता है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। तो यहाँ सुनवा बाज़ार से आप इधर राइट कटिएगा, ये छोटा गली, आगे से भी कटिएगा तो वहीं पहुँचिएगा और यहाँ से भी घुसिएगा तो वहीं पहुँचेगा। ये रास्ता, ये लेफ्ट वाला रास्ता सेम यहीं पे आएगी, जस्ट थोड़ा सा आगे पे। हम लोग को जाना है उधर जंगल के पार, वो जंगल दिख रहा है, वो जंगल दिख रहा है ये सीधा वाला, उसको पार करके और एक जंगल मिलेगा, उससे भी पार जाना है। देखिए इधर बादल साफ है, ये वाला बादल पानी कर सकता है और इधर भी बहुत साफ है, पानी ना करे। वैसा रोड पूरा मस्त हो गया, झकास वाले रोड बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस पंसवा पहुंच चुका है, एक पुल पार करिएगा उसके बाद आपको पंसवा पहुंच जाएगा। देखिए आपको थोड़ा देर में ही दिखाई देने वाला है पंसवा। देखिए सीधा में है पंसवा, अगर यहाँ से आप नीचे जाइएगा आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं, यहाँ अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ से आप राइट कट के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा तो आगे आपको भी औसम मौसम जगह दिखेगा और उससे भी अच्छा अच्छा जगह दिखेगा। तो चलिए ये रास्ता मैं आपको दिखाते हैं आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने है छोटा झील। पंसवा में पानी नहीं भरा है, अगर पानी भरता है तो वहाँ से पानी गिरता है। देखिए आपको दिखाते हैं, रुकिए, पानी तो लाल हो गया है शायद, वहाँ से पानी गिरता है अगर पानी भर जाने से। और इधर जाने से राइट साइड तो आपको मंदिर दिखेगा। तो अभी हम लोग को जाना है ऊपर घाटी, देखिए घाटी, ये है घाटी, छोटील घाटी। ये पहले रोड बहुत ख़राब था, वो पूरा लेफ्ट राइट पहाड़ था, उसको काटा गया है। हम लोग आए हैं पहले भी, पहले का ब्लॉग में देखिएगा तो रास्ता बन रहा था। वाह, इसे कहते हैं नज़ारा, ये। वो देखिए कितना ही मस्त लग रहा है। हम लोग को जाना है वहाँ उधर। देखिए पहले का ब्लॉग में भी देखिएगा वो घर सब पहाड़ ऊपर मस्त एकदम, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। और रास्ता भी बहुत अच्छा है तो गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लग, समय भी कम खा रहा है, मतलब बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग बोलेंगे तो।
पुल बन चुका है देखिए, वो पुल बना नहीं था, उसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा था जो कि भर गया पूरा। यहाँ मैंने 2 किलोमीटर का तेल बचा लिया। वो ये है लोकेशन, देखिए पूरा ऑसम वाला लोकेशन। और इधर का पानी गिरा है इसलिए गंदा दिख रहा है ना। हाँ राजा रानी पेड़, रुकिए रुकिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं राजा रानी पेड़। वो रहा ना, वही है ना, देखिए राजा रानी पेड़ बीच में, वो दो ठो है, उसको बोलते हैं राजा रानी पेड़। हो और रास्ता बन गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रास्ता ठीक रहता है ना तो गाड़ी चलाने भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा पंसुआ जलाशय, यहाँ से जाइएगा तो आपको बोट सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए आपको सैर करा ही दे थोड़ा सा। तो ये रहा एंट्री, घुसने का कुछ ऐसे है, और बोट सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। यहाँ घुसिएगा, यहाँ पिकनिक मना सकते हैं आप आराम से। देखिए मस्त लोकेशन है, और देखिए बोट सब लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ वहीं लगा उसके पास। बस बस ये रहा पंसुआ। हाँ और देखते हैं अब फिश मिलता है या नहीं। नहीं मिलेगा भी तो कोई बात नहीं, लोकेशन देख के बहुत दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दैट्स कॉल्ड लोकेशन, बहुत ही औसम वाला और बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे देखिए मेरा पंसुआ डैम, जहाँ बहुत सारा फिशिंग वीडियो हम डाले हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, मज़ा आएगा आपको। तो चलिए आपको बोट दिखा के आते हैं। यहाँ 2 बोट है जिसमें आप पूरा घूम सकते हैं इधर से उधर, और पानी बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो फिश मिलना चाहिए शायद। वहाँ नहा रहा है इसलिए नहीं जाएंगे, देखिए वहाँ 2 बोट है। तो चलिए अब चला जाए। और यहाँ पॉलिथीन वर्जित एरिया, तो यहाँ प्लास्टिक सब फेंका ना करें, साफ सुथरा रखें। तो अब नाव में थोड़ा बैठ लेते हैं। मेरा नाव है, आइएगा इसमें घूमिएगा। हम बोट बुक कर चुके हैं, ये रहा, ये बाहर बैठ के ही नज़ारे का मजा लेना। अगर आप आइएगा तो इसमें हम घुमाएंगे आपको, तभी 1-2 फोटो खिंचा लेते हैं, फिर चलते हैं फिशिंग करने। तो चलिए तो यहाँ फोटो खिंचा लिया, और अब चलते हैं फिशिंग स्पॉट। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं फिशिंग स्पॉट। फाइनली पहुँच गए, देखिए तो मस्त नज़ारा है यहाँ का, तो बहुत थक गए हम लोग, जल्दी जल्दी फिशिंग बोट से तैयार करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। यही लाइन में हम बोले खाया, बोले कि नहीं बताया।